बात अगर डेवलपमेंट की जाए तो पिछले 3 दशक में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की है इस कंट्री ने। पिछले 30 साल अगर पहले की बात करें तो यहाँ सिर्फ रेत ही रेत हुआ करती थी। इस देश के पास खुद का पीने का पानी भी नहीं है, पर इस देश ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कैसे कर ली? यह है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इसका मुख्य शहर दुबई। पिछले 30 साल पहले यहाँ पे सिर्फ रेत थी और यहाँ पे कोई जाना भी पसंद नहीं करता था, पर इस देश के शासकों ने इस पे इतना दिमाग और पैसा लगाया कि आज ये डेवलपमेंट के मामले में दुनिया के सभी सिटीज़ को पीछे छोड़ता जा रहा है। ये है दुबई। दुबई में कई बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है, चाहे वो स्काई स्क्रैपर्स हों या फिर कुछ और, पर आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ऑफ दुबई के बारे में बात करेंगे। अगर दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग की बात की जाए तो वो है बुर्ज खलीफा, पर एक तो समय ऐसा आएगा कि लोग ऊंची बिल्डिंगों से बोर हो जाएंगे। उसके लिए दुबई एक बेहतरीन डायनेमिक टावर नाम की बिल्डिंग बना रहा है। इसकी ऊंचाई तो बुर्ज खलीफा से काफ़ी कम होगी, लेकिन ये अपने तरह की दुनिया की एकमात्र बिल्डिंग होगी और इसके सारे फ्लोर्स जो हैं वो रोटेटिंग होंगे। इसमें कुल 80 फ्लोर्स होंगे और सारे ही अपने एक्सिस पर रोटेट कर सकेंगे, और इसमें रहने वाले लोग जो हैं वो अपने बिल्डिंग का रोटेशन खुद कंट्रोल कर सकेंगे। अगर आपको सनसेट देखने का मन हो या फिर सी व्यू देखने का मन हो तो भी आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस बिल्डिंग के सारे फ्लोर्स की कंस्ट्रक्शन साइट पे ना होकर बल्कि अलग से फैक्ट्री में की जाएगी और उसके बाद ट्रांसपोर्ट करके इसे बिल्डिंग पे फिक्स कर दिया जाएगा। इस तरह से इस बिल्डिंग को बनाने की कॉस्ट 30% तक कम हो जाएगी, पर आप देख ही सकते हो ये बिल्डिंग अपने आप में ही एक उदाहरण पेश करेगा। फिर भी इसकी कीमत 90 अरब रुपये के आसपास बैठती है। दूसरा है पाम जुमेरा के बारे में, तो हम सभी जानते हैं ये एक मैन मेड आइलैंड बनाया गया था दुबई गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको समुद्र में जो है मैन मेड तरीके से रेत और मिट्टी डालकर एक कृत्रिम आइलैंड बनाया गया था और उसके बाद उस पर बिल्डिंग्स बनाई गई थी, लेकिन इसे बनाने का कॉस्ट भी उतना कम नहीं पड़ा था। इस पर अटलांटिस होटल जो 7-स्टार होटल है वो भी मौजूद है और पाम जुमेरा को हम आइलैंड से भी देख सकते हैं। लेकिन अब दुबई गवर्नमेंट जो है वो दूसरा एक मैनमेड आइलैंड बनाने जा रहा है, जिसका नाम है जुमेरा बे आइलैंड और इसका शेप होगा सी हॉर्स के शेप में। इसका कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है और इस पे भी कई तरह की लग्जरियस बिल्डिंग्स मौजूद होंगी। बात करें साल 2010 की, तो दुबई ने बुर्ज खलीफा के रूप में दुनिया को एक नया तोहफा दिया था, जो कि 828 मीटर टॉल है और इसमें 163 स्टोरीज बनाई गई थी और ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनकर सामने आई थी, और अभी भी बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है। पर ये तो हम जानते ही हैं कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए सबसे ऊँची नहीं रह सकती। इसी को देखते हुए हाल ही में सऊदी अरेबिया ने जेद्दा में जेद्दा टावर नाम की एक बिल्डिंग बनाने का घोषणा किया था, जो कि बुर्ज खलीफा से भी ऊंची होगी। पर दुबई वालों को ये कहाँ रास आने वाला था कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में ना हो, इसलिए दुबई ने भी दुबई क्रीक टावर के नाम से एक नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, जो कि जेद्दा टावर से भी ऊँची होगी, जिसे MR इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया जा रहा है। पर अभी जो है जेद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है, इसलिए दुबई क्रीक टावर का कंस्ट्रक्शन भी दुबई ने रोक के रखा हुआ है, क्योंकि जेद्दा टावर में जिन लोगों ने पैसा लगा के रखा था उन पे करप्शन का चार्ज लगा हुआ है और सऊदी गवर्नमेंट ने उन पे बैन लगाकर उन्हें जेल में डाल के रखा हुआ है। इसीलिए जो है वो अभी MR ने भी जो है वो दुबई क्रीक टावर का जो कंस्ट्रक्शन है उसको रोक के रखा हुआ है कि जब भी जेद्दा टावर जो बनेगा तो हम दुबई क्रीक टावर की हाइट जो है वो उससे थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे।
अगले नंबर पे आता है म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर। दुबई ये बेहतरीन म्यूज़ियम बना रहा है। आमतौर पर जो है वो म्यूज़ियम में एंटिक चीज़ें रखी होती हैं जो काफ़ी पुरानी होती हैं, लेकिन ये म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर एक ऐसा म्यूज़ियम होगा जिसमें फ्यूचर की चीज़ें रखी हुई रहेंगी। इस म्यूज़ियम के माध्यम से लोगों को फ्यूचर जनरेशन के बारे में बताया जाएगा। इसमें जो है रोबोटिक कार्स होंगे, रोबोट्स होंगे, ड्रोन्स होंगे और कई आधुनिक चीज़ें होंगी जो फ्यूचर में लोगों के सामने आएंगी। ये म्यूज़ियम अपने तरह का एकमात्र म्यूज़ियम होगा जिसे शेख जायद रोड दुबई में बनाया जा रहा है और इसकी कॉस्ट पड़ी है 1000 करोड़ रुपीज़। अगले नंबर पर आता है हाइपरलूप। हाइपरलूप जो है वो एक टनल होती है जिसमें छोटे छोटे कैप्सूल में बैठ के काफ़ी लंबे सफ़र को काफ़ी कम समय में तय किया जा सकता है और इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और ये फुली इलेक्ट्रिक होती हैं। सो दुबई जो है वो ऐसे ही एक हाइपरलूप का जो है निर्माण कर रहा है जिसकी स्पीड होगी 1130 किलोमीटर पर आवर, जो कि एक एरोप्लेन की स्पीड से भी काफ़ी फास्ट होगी। शुरुआत में इसे जो है वो दुबई से लेकर अबू धाबी के बीच में चलाया जाने वाला है। इसमें एंटरटेनमेंट की भी काफ़ी चीज़ें होंगी। आमतौर पे दुबई से अबू धाबी के बीच का सफ़र 1 घंटे में पूरा किया जाता है, लेकिन ये इसे मात्र 12 मिनट में पूरा करके दिखा देगा। बात करें दुनिया के सबसे बड़े फेरिस व्हील की तो वह अभी लॉस वेगास में मौजूद है, लेकिन दुबई जल्द ही इसका रिकॉर्ड तोड़ने वाला है क्योंकि दुबई में जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा फेरिस व्हील जिसकी हाइट होगी 210 मीटर्स और इसमें 45 कैप्सूल होंगे और 1400 लोग एक साथ जो है इस फेरिस व्हील में बैठ के दुबई का नज़ारा ले सकेंगे। तो दुबई में अभी दुनिया का सबसे बड़ा फेरिस व्हील बन के तैयार हो चुका है जिसकी कॉस्ट करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।